हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपको मोनिका लेविंस की याद है? मोनिका लेविंस्की, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ अफेयर की वजह से चर्चा में आई थी। उनके प्रेम संबंधों की खबर बाहर आने के बाद मोनिका को बेहद अपमानपूर्ण और तकलीफ दौर से गुजरना पड़ा था। आज एक बार फिर वो दुनिया के सामने है। अपनी बात दुनिया के सामने रखते हुए वो भी आज यौन उत्पीड़न के खिलाफ इंटरनेट की #MeToo मुहिम में शामिल हो गई है। मोनिका ने #MeToo ट्वीट करके इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है। हालांकि उन्होंने अपने किसी अनुभव के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और ना ही कोई और डिटेल शेयर की है। मोनिका के साथ अफेयर की बात बाहर आने पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को महाभियोग का सामना करना पड़ा था। उस वक्त वो व्हाइट हाउस में बतौर इंटर्न काम कर रही थी और बिल क्लिंटन के साथ प्यार में पड़ गई थी। तब वो सिर्फ 24 साल की थी। उनके बीच संबंधों की बात साल 1998 में सामने आई थी, जिसके बाद लोगों ने मोनिका को भद्दे मेल भेजे और उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया, जिससे वो काफी टूट गई थी। इस ट्वीट के बाद बहुत से लोगों ने मोनिका का समर्थन और उनकी बहादुरी की तारीफ की है। मैरी एंजेला ने लिखा, मुझे दुख है आपके सालों तक इसका सामना करना पड़ा। यह बहुत पुरानी बात हो गई है और लोग आपको एक आम इंसान की तरह देखते हैं। गलतियां हम सबसे होती हैं। दूसरी तरफ लोग ये भी जानना चाहते हैं वो असल में किस शख्स और किस अनुभव के बारे में बात कर रही हैं। मौजूदा वक्त में मोनिका ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर बुलिंग के पीड़ितों के लिए काम करती है। हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन का सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद दुनिया भर में औरतें #MeToo लिखकर सोशल मीडिया पर अपने कड़वे अनुभव को साझा कर रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।